सवालात का जो सिलसिला है वो हमारे मुनसिफीन शुरू करेंगे। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा जनाब कारी वही जफर कासमी से कि कारी साहब आप पहला सवाल कीजिएगा। कुरान करीम की दो आयात हैं जो सफर में पढ़ी जाती हैं, मैं वो पढ़ रहा हूँ आपके सामने। आपको बताना यह है कि ये आयात किस सूरत की हैं। सुबहानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी बताइएगा ये आयतें कुरान मुबारक में कुरान करीम में किस सूरत में मौजूद है। जी टीम सी सूरह ज़ुख़रुफ़। सूरह ज़ुख़रुफ़ जवाब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। मैं चाहूंगा कि अगला सवाल मुफ्ती सोहेल अज़ा अमजदी साहब आप कीजिएगा। सवाल जरा गौर से सुनिएगा कि तहवील किबला यानी किबले को किबले की जो सम चेंज हुई है तो तहवील किबला का जिक्र कौन से पारे में है। जी टीमें दूसरे पारे में सैकुल दूसरे पारे में है। मुफ्ती साहब जवाब ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब आप कीजिएगा। मेरा सवाल बहुत आसान सा है, ये सब जानते हैं, अब्राहा कौन था। अब्राहा कौन था, एक मिनट, सबसे पहले किस टीम ने बजर बजाया। जी डॉक्टर साहब ए। जी टीम में आपसे जवाब लूंगा। उस लश्कर का सरबरा था जिसने खाना काबा को गिराने का इरादा किया था। नाम अब्राहा यमन का सरदार था। जी यमन का सरदार था, बिल्कुल सही जवाब। ओके तो मुनसिफीन ने अपने सवालात मुकम्मल कर लिए हैं, अब आगे के तमाम सवालात कौन करेगा। पहला सवाल यही है, है? मैं करूंगा। आगे के तमाम सवालात आपसे मैं पूछूंगा। चौथा सवाल इस राउंड का और मेरी जानिब से पहला सवाल, बताइए कुरान करीम में कुल कितने रुकू हैं। जी टीम सी, टीम सी आपसे जवाब लेंगे। 558। 558 रुकू हैं, सही जवाब। अगला सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे माजिद का नाम बताएं। टीम ए हजरत अब्दुल्ला। बहुत आसान जवाब है, हजरत अब्दुल्ला, बिल्कुल सही जवाब। आप बताइएगा कि विटामिन डी की कमी के बाइस कौन सी बीमारी पैदा होती है। टीम ए से जवाब लेंगे। रिक्टस। टीम ए बड़ी तेज जा रही है, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा अब बताइएगा, साइंस के शोबे से सवाल है, वो अमल जिससे भारी एटम के न्यूक्लियस को तोड़कर तवानाई हासिल की जाती है। गालिबन टीम भी, जी टीम भी आपसे जवाब लेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। न्यूक्लियर फ्यूजन, पाकिस्तान में वैसे इसका प्लांट कहां पर है, पाकिस्तान पैदा करता है। कनोप है ना। जी कनोप कराची में भी, कराची में है। कौन क्या 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 कहलाता है, क्या नाम है। कनोप या कैनप। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। जी बिल्कुल सही जवाब। आपसे अगला सवाल है, जमीन की जो सतह है जिस पर हम खड़े हैं, ये जमीन की सतह है, इससे कितने ऊपर तक हवा मौजूद है। जी टीम बी। टीम बी जी एटमॉस्फेयर का रेडियस ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर तक जमीन की सतह से ऊपर भी हवा मौजूद है, जिससे जिस तरह से कुरह अर्ज होता है ना, उस तरह से ये कुरह हवाई कहलाता है कि जहां तक इंसान जिंदा रह सकता है दूसरे जानदार भी जिंदा रह सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा जी आपसे अगला सवाल है, एक साइंसदान ऐसे हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, बहुत से साइंसदानों को मिला है, सवाल सुन लीजिए पहले, लेकिन एक साइंसदान ऐसे हैं जिन्हें बिना किसी तहकीक के यूं कह लीजिए कि वो नोबेल प्राइज दिया गया था। एक मिनट देखिए इस तरह सी, सबसे पहले टीम सी ने एक बात मैं डॉक्टर साहब देखिए कि हर जो तरीकेकार होता है ना कुछ अखलाकियात होती हैं, उसके बाद पूरी कर। हाँ ये बजर का बजाना जो है वो वक्त पर बहुत जरूरी है, वक्त से पहले अगर आप, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन पैदा होता है इससे। हाँ चले जी टीम सी से जवाब लेंगे। सी आइंस्टाइन। सर क्या जवाब दिया आपने, आइंस्टाइन को किस थ्योरी पर उन्हें ये नोबेल प्राइज दिया गया था। चले मतलब इसको रहने देते हैं। आपसे अगला सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये बताइएगा कि रेडियो के मौजिद का नाम क्या है, किसने बजाया सबसे पहले। टीम सी आपसे जवाब लेंगे। अल-ख्वारज़मी। नहीं आपका जवाब गलत हुआ, -10 होंगे टीम सी के। हम अगला सवाल पूछते हैं, इस सवाल का जवाब अब मैं किसी से नहीं लूंगा, एक सवाल आपसे और पूछते हैं, आप बताइएगा। वैसे इसका सही जवाब था मार्कोनी, ठीक है। अगला सवाल गौर से सुनिएगा, अमरीका किसने दरियाफ्त किया। टीम सी कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया, टीम सी का जवाब बिल्कुल ठीक है। इस राउंड का आखिरी सवाल एक शेर है, मैं शेर का पहला मिसरा पढ़ूंगा, आपने उसे मुकम्मल करना है, आप अगला मिसरा भी पढ़ सकते हैं और मुकम्मल शेर भी पढ़ सकते हैं। शेर का पहला मिसरा है कि हरम पाक भी अल्लाह भी
कुरान भी एक, टीमें हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। बिल्कुल ठीक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। सब कुछ अच्छा होता अगर मुसलमान भी होते। नहीं, आप जवाब नहीं दे पाए, माइनस आपने मिसरा नहीं पढ़ा। जी, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। हरमे पाक भी, अल्लाह नहीं, वो ये तो मैं पहला मिसरा पढ़ा ना, तो पूरी नज्म है। हरमे पाक, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। एक ही सब का नबी, दीन भी, ईमान भी एक। हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और, कहीं जाते हैं क्या जमाने में पनपने की यही बातें। आप जवाब नहीं दे पाए। एक सवाल इस राउंड में और करेंगे। सवाल यह है कि ज़ुन्नूरैन किस सहाबी रसूल को कहते हैं? टीमें जी, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो को ज़ुन्नूरैन कहते हैं, यानी कि दो नूर वाला। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ हमारा पहला राउंड यानी कि बजर राउंड अपने अख्ताम को पहुंचा है।